नमस्कार, मैं हूं शैलेश दुबे, जो एक सही इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया ग्रोथ चाहते हैं। आज का वीडियो हम धोलेरा स्मार्ट सिटी पे बात करेंगे। मैंने बोल दिया है वीडियो की शुरुआत में, ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र से हैं, हरियाणा से हैं और साथ ही साथ जो लोग गुजरात से हैं। इन चार जगह वालों के लिए स्पेशली वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप लोग कंपेयर कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। बाकी लोग भी वीडियो देखिएगा। तो अपन बात करते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में मैं अभी निवेश नहीं करता हूं, जब शहर बनना स्टार्ट हो जाएगा या शहर बन जाएगा, कुछ दिखने लगेगा, बिल्डिंग, कॉलेज, रोड, बस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, एयरपोर्ट, ना जाने बहुत सारी चीजें, इसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं धोलेरा पे। भाई साहब, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, आप करिए ना इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक डेटा बताऊं मैं आपको, सुन के चौंक जाओगे। आम आदमी के लिए दिल्ली जैसी जगह में, गुड़गांव जैसी जगह में निवेश करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआती कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, पर स्क्वायर यार्ड प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट आज करोगे, बड़ा प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा। लेकिन ये क्लियर था कि अगर आज से लगभग 40-50 साल पहले, हम अप्रोक्सीमेट 30 साल पहले की बात करते हैं, अगर आपको पता होता 30 साल पहले कि एक जगह है जो कि भारत में बहुत ही अच्छा बिजनेस हब बनने वाली है, जिसका नाम है गुड़गांव, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन आप पीछे हो गए, आपको किसी कारण से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। लेकिन जब आपको समझ में आया अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो धोलेरा स्मार्ट सिटी में भी आपके साथ यही हो सकता है। मैं एक डेटा आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में किस तरह से प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा है। एक डेटा ये बोलता है, दिल्ली में बहुत सारे स्टेट जगह हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी का रेट है। मेरे पास में एक डेटा रखा है, जिस डेटा के हिसाब से बात करता हूं। दिल्ली में साकेत एक जगह है, जब 1975 में पहली बार यहां कॉलोनी कटना स्टार्ट हुई ना, तो यहां के ब्रोकर ने, यहां के बिल्डर ने 150 रुपए के भाव में जमीन बेचना स्टार्ट किया। 150 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, मतलब गज ही बोल रहा हूं मैं आपको, स्क्वायर फिट नहीं बोल रहा हूं, तो 150 रुपए स्क्वायर यार्ड। वो 150 रुपए का भाव 2019 आते आते तक में 25,000 से लेके 52,000 रुपए हो गया। और आज करंट सिचुएशन में हम लोग जहां पर बैठे हैं, आप जाके साकेत में पता कर सकते हैं, अब तो वहां पर बहुत ही जगह डेवलप हो चुकी है। 1975 में पहली बार बात हुई थी कि वहां कॉलोनी कट रही है, वहां पर भाई साहब एक स्क्वायर यार्ड 3,60,000 रुपए से लेके 6,75,000 रुपए तक का है। अगर आप ग्रोथ की बात करोगे यहां पर, तो बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ हुई है। अब दिल्ली में रोहिणी की बात करते हैं। रोहिणी में 1985 में पहली बार कॉलोनी कटना स्टार्ट हुई, तो वहां पर 6,000 रुपए के रेट में कॉलोनी कटना स्टार्ट हुई। वहां भी खाली जंगल था, खेत था, शहर बहुत वहां थोड़ी बना था, वहां तो नई कॉलोनी थी, तो वहां पर पहली बार में बिल्डर ने 6,000 रुपए का रेट निकाला। 2019 में वही 6,000 रुपए का रेट 16,000 रुपए से लेके 43,000 रुपए हो गया। और जहां करंट सिचुएशन में हम लोग अभी देख रहे हैं, 2,10,000 रुपए से लेके 5,25,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, विवेक बिहार। दिल्ली में 1970 में पहली बार यहां पर बिल्डर ने कॉलोनी काटना स्टार्ट किया, वहां पर जो रेट था 1970 में 500 रुपए के भाव से कॉलोनी स्टार्ट हुई बिकना। 2019 आते तक वही 500 रुपए का भाव 27,000 रुपए से लेके 47,500 रुपए तक बिका। रेट देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ ग्रो किया। और जहां करंट सिचुएशन में हम लोग आज की बात करेंगे, तो ये 3,60,000 से लेके 5,50,000 रुपए तक का रेट पहुंच गया है, यहां भी ग्रोथ हुई। अब महारानी बाग की बात करें, 1960 में कॉलोनी कटना स्टार्ट हुई महारानी बाग में, 700 रुपए के हिसाब से पहली बार बिकना स्टार्ट हुआ था। 2019 में 29,000 रुपए से लेके 43,000 रुपए के बीच बिका, और आज 3,50,000 से लेके 5,90,000, तकरीबन 6,00,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड बिक रहा है। अगर यहाँ की आप ग्रोथ करोगे भाई साहब, तो अलग अलग तरीके से हजारों नहीं, 5-5, 10-10 हजार गुना परसेंट में रेट में लोगों को अप्रिशिएट हुआ है। अब आज के समय में आप बसंत बिहार में लोगे नहीं, महंगा हो गया है, या ग्रीन पार्क में नहीं लोगे, बड़ा महंगा हो गया, साकेत में नहीं ले सकते, लेकिन पहले ले सकते थे। अब काम की बात सुन लो मेरी, आप अब सुनो काम की बात। धोलेरा स्मार्ट सिटी आपको पता बनने वाला है, बहुत बड़ा शहर बनेगा, बहुत बढ़िया प्लानिंग है। दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहां कोई प्लानिंग नहीं थी। ये ब्राउन फील्ड सिटी होती है, एक होती है ग्रीन फील्ड जिसको तैयारी से बनाया जाता है, एक होती है ब्राउन फील्ड जो बनते 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 सुधार होकर बनती है।
लेकिन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में हर चीज वर्ल्ड क्लास होती है। तो आप समझो 200 रुपए की चीज भी यहाँ पर आप देख रहे हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए तक में बिक रही है, जो शुरुआत में हुई थी कहीं 5 लाख, कहीं 8 लाख, कहीं 9 लाख, कहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है। तो धुलेरा में भी आज प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है, जिसके वजह से आप आने वाले 15-20 साल में कई लाखों रुपए का ग्रोथ ले सकते हो। मतलब अगर यहाँ की प्रॉपर्टी आपको खरीदने का समय मिल रहा है तो मेरी बात समझ लो, आप धुलेरा स्मार्ट सिटी को फटाफट विजिट कर लो अगर आप अपने 1 रुपए को 1000 बनाना चाहते हैं। फिर से बोल देता हूं, अगर 1 रुपए को 1000 रुपए बनाना चाहते हो तो आपके पास बेहतरीन मौका है धुलेरा स्मार्ट सिटी। आइए, विजिट कीजिए और समझिए पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी के फ्यूचर प्लान को। तब आपको पता चल पाएगा कि धुलेरा जैसी जगह में यार क्या लाइफ हो सकती है। धुलेरा के लिए डिटेल वीडियो हमने बना चुका है, उसकी लिंक मैं इस कॉमेंट बॉक्स में दे रहा हूं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको जाके देखना। ऐसे 10 तरीके हैं क्यों धुलेरा में इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको इतनी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो मैं आपके बदले में ये नहीं कह रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, बस ये काम कर दो, आपके पते में जो भी इन्वेस्टर दोस्त है ना जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है उसको ये वीडियो भेज दो, और साथ ही साथ अपने उन रिश्तेदार दोस्तों को जरूर इस वीडियो को भेजना जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोलूंगा, वीडियो को हर बार की तरह लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों तक तो भेज दो यार, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल जाए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने शैलेश दुबे को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।